हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो यार आज है मेरा आखिरी दिन यहाँ पे BSF अकेडमी टेकनपुर, और आज है डेट 9 जून। तो 9 जून को फिर मैं निकल रहा हूँ यार, मुझे अभी यहाँ से गुजरात के लिए निकलना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे हूँ BSF अकेडमी टेकनपुर के, जो हमारा BTC का छोटा सा एक बस स्टॉप बोल सकते हो आप। और बस स्टॉप से अगर आप इधर को जाओगे मेरे लेफ़्ट हैंड में, तो ये जाएगा TCP के लिए। बाकी अगर आप इस साइड की बात करो तो ये टेकनपुर का इलाका है, यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे ही आपको टेकनपुर मिल जाएगा। और बाकी अगर मैं पीछे की बात करूँ तो ये रहा सर्वधर्म स्थल गुरुद्वारा साहिब आप बोल सकते हो। तो मैं अभी आपको यहाँ की ब्लॉगिंग भी दिखाऊँगा प्रॉपर तरीके से, मैं अंदर जाके एक बार भारी बाहर दिखा देता हूँ। और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है यार, अभी BL आने वाली है, तो 2 बजे की BL है। अभी मैं रोड क्रॉस करके एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इधर अगर आप देखोगे पीछे ये लिखा हुआ है सर्वधर्म स्थल। तो अब मैं एंट्री कर रहा हूँ गुरुद्वारा साहिब के अंदर। पहले यहाँ पे यार बहुत सारा भंडारा वगैरह हमने बहुत खा रखा है, और जो ये एरिया है ना, काफ़ी आप देखोगे इधर BSF का हर कैंपस आपको क्लीन दिखेगा एकदम। सामने हमारे गुरुद्वारा साहिब हैं और बगल में ही मंदिर है, तो ये एक तरीके का आप बोल सकते हो कि सर्वधर्म स्थल है। सोचा यार मैं जाते जाते एक वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए, तो इसलिए मन कर गया मेरा भी। तो आपको एक बार बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। सो हमारे जैसे ही अगर हम फ्रंट की ओर से आते हैं, गेट से एंट्री करते ही, सबसे पहले आपको यहाँ पे पैर धोने के लिए, जब यहाँ पे लंगर वगैरह लगता है तो भीड़ भाड़ काफ़ी मात्रा में रहती है लोगों की, और इधर नल वगैरह भी लग रखे हैं, तो इस साइड ये पैर धोने के लिए। उसके बाद आप एंट्री करते हो गुरुद्वारे के अंदर, और अभी यहाँ पे ताला वगैरह भी लग रखा है यार, और ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, बस इतना ही था इस वीडियो में, ज़्यादा वो नहीं कर पाऊँगा मैं। और गुरुद्वारा भी काफ़ी यार आप देखोगे इस साइड काफ़ी खूबसूरत बना रखा है, काफ़ी सुंदर। और इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ भी मैं आज तक नहीं आया, आज ही आया हूँ, बस ये वीडियो बनाने के पर्पज़ से आया था। और अंदर आप देखोगे तो भगवान का यहाँ पे खूबसूरत सा अकादमी मंदिर, ये देखिए। आइए और विज़िट कीजिए यार, बहुत खूबसूरत यहाँ पे हमारे जो भगवानों का वो बना रखा है स्थल वगैरह, धर्म स्थल वगैरह। अंदर शायद श्री राम भगवान की मूर्ति वगैरह है यहाँ पे, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। और इस साइड है शिवलिंग, इधर भगवान शिव जी की जो शिवलिंग वगैरह भी यहाँ पे बना रखा है। और एरिया देखिए इस साइड का, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एरिया है। और अगर आप पीछे की बात करोगे तो इसके उस साइड हॉर्स लाइन है। हॉर्स लाइन की यार मैंने आज तक उसका वीडियो तो बनाया नहीं मैंने, बट ये देखिए आप, काफ़ी कितना खूबसूरत है यार। तो जितने भी लोग यहाँ पे पहले BTC रहते होंगे या टेकनपुर या TCP में, तो उनको पता होगा यार यहाँ पे किस तरीके से प्रॉपर लंगर वगैरह लगाया जाता था, और उन्होंने भी खाना खाया होगा तो और मैंने भी काफ़ी खा रखा है। अब बहुत टाइम हो चुका है जब से मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, तो उसके बाद से जॉब के चक्कर में भारी रहता हूँ, तो बहुत कम आना जाना रहता है। एक बार आप ये वाला व्यू भी देख लीजिए, और इस साइड को अगर मैं आपको पीछे के साइड दिखाऊंगा तो यहाँ भंडारा हुआ करता था, यहाँ पे लोग बैठा करते थे। पहले ये नहीं था इस साइड, ये मंदिर नहीं था। और इस साइड को लोग यार आप देखोगे तो इधर लंगर वगैरह भी काफ़ी लगता था इस साइड। ये पूरा अगर आप देखोगे तो अभी भी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन पे है, तो इन प्रोसेस चल रहा है अभी, ये देखिए आप। इधर भी लोग काफ़ी यहाँ पे खाना वगैरह बनता है, पूरा लंगर यहाँ पे तैयार किया जाता है। और उसके बाद अगर आप इस साइड की बात करोगे तो हाथ वगैरह धोने के लिए प्रॉपर। और ये था पूरा 360 आप बोल सकते हो गुरुद्वारे का व्यू। काफ़ी लोग यहाँ पे सेवा करते हैं, हमने भी काफ़ी सेवा की है, बट यार अब इतना टाइम मिलता नहीं है, अब खुद आते नहीं है, बहुत टाइम हो गया है, रहते नहीं है, तो इसलिए भी ये देखिए। तो दोस्तों फाइनली यही था इस वीडियो का पूरा एंड, और मैं भी आप लोगों को कोशिश करूंगा कि यार अब पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं, बट इस टाइम पे कोई लंगर वगैरह चल नहीं रहा है, और वैसे भी गर्मियों का सीज़न है तो लोग कम ही बाहर निकलते हैं ना। और जब भी संडे को जब भी यहां पे लंगर होता है या कभी वो होता है गुरुद्वारा साहिब का
तो उस टाइम पे यहाँ पे लंगर वगैरह किया जाता है। तो ये था इस वीडियो का एंड, और ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए पहाड़ी ब्लॉग्स पे। कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच नई वीडियो लेके आऊँ। और यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, केवल BSF की नहीं, मैं और भी वीडियोस की ब्लॉगिंग करता हूँ, तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए, मज़े लीजिए वीडियोज़ की, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।